हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ ऋतिक जैन व्लॉग्स। एंड गाइस, अभी हमने रिसेंट में थोड़े फूड चैलेंजेस किए थे, तो भाई आज मैं कुछ अलग चैलेंज करने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो में ट्राई करने वाला हूँ गाइस 5 डिफरेंट टाइप ऑफ पराठास। मतलब गाइस, अपने घर पे जो पराठा बनते हैं, आलू पराठा, गोभी पराठा, मैदा पराठा, और भाई वो जो चांदनी चौक में वो बोलता है अक्षय कुमार, उतने टाइप के पराठा होते हैं। तो आज उसमें से हम लोग कुछ 5 पराठा ट्राई करने वाले, क्रेजी क्रेजी। नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे हम लोग एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे। आगे आगे आपको कैसे कैसे पराठे देखने मिलेंगे, आपको मजा आ जाएगा। पहला पराठा जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं वो है आलू पराठा। तो लेट्स सी गाइस, आलू पराठा तो यार सबने ही खाया रहेगा, सबके घर पे बनता है। तो हम मंगाते आलू पराठा एंड टेस्ट करते हैं। वैसे तो घर का आलू पराठा टेस्टी लगता है, बट ये हमने एक जगह से ऑर्डर किया है, देखते कैसा आता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो गाइस, यहाँ पे अपना आ चुका है आलू पराठा, और ये अपने को मिला है 126 रुपीस का। तो 126 रुपीस में आलू पराठा भाई घर पे बनता है, तो पता नहीं मम्मी को पूछना पड़ेगा कितने में बन जाता है। यहाँ पे हमने ऑनलाइन मंगाया है, तो हमें 126 रुपीस में पड़ा है एक पराठा। एंड अच्छे से पैक तो अच्छे से करके आया है भाई, एकदम मजेदार। लिटरली मैं ओपन भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बॉक्स ही फाड़ना पड़ा पूरा का पूरा, लॉल। और गाइस, आगे आगे इस वीडियो में जो पराठा मैं खाने वाला हूँ आप लोग शौक हो जाओगे। क्या बात है, ओ भाई क्रेजी। गाइस, इतनी सब चीज आई है भाई पराठा के साथ। हमारे इधर घर पे तो भाई सॉस या चटनी मिल जाती है, बट यहाँ पे मेरे को मिला है दही चटनी, ग्रीन चटनी। ये कुछ अलग चटनी है गाइस, ये ग्रीन चटनी है। ये क्या चीज है मुझे बताओ कमेंट में। मिर्ची है शायद से, मिर्ची है और अचार है, और मीठी चटनी है जो कि आज तक मैं कभी नहीं खाता हूँ मीठी चटनी। एंड यहाँ पे हमारा फाइनली गाइस आलू का पराठा है, 2 पीसेस में है, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो लेट्स ट्राई गाइस, मैं दही के साथ ट्राई करना चाहूंगा। इसमें केचप नहीं है यार, क्या मीठी चटनी केचप है? पता नहीं, हो सकता है गाइस, वो भी हो सकता है, बट हम लोग दही के साथ ट्राई करेंगे। एंड ये लेट्स सी कैसा टेस्ट है गाइस। यार मेरे को पता नहीं, मैं बाहर से मंगाता हूँ ना, ये व्हाइट व्हाइट क्यों होता है मसाला? आपके घर पे कौन सा मसाला रहता है कमेंट में बताना भाई। मेरे घर पे तो बनता है एकदम येलो, और उसमें मिर्ची होती है एकदम खतरनाक वाली। मेरे को तीखा ज्यादा पसंद आता है। चलो ट्राई करते हैं। अब आप बोलोगे तीखा पसंद आता है ऋतिक भाई, दही से खा रहे हैं, मतलब क्या क्या है ये? बट यस गाइस, वो टीके के साथ थोड़ा दही मजा ही अलग है। वो भाई गाइस, आलू पराठा एक ऐसी चीज है जो मजा ही आ जाता है खाने में। किस किस का फेवरेट है कमेंट में बताओ। मेरा तो भाई सबसे फेवरेट आलू पराठा ही है खाने में। जब भी आलू पराठा बनता है ना घर पे, बहुत मजा आ जाता है। तो भाई बहुत ही क्रेजी। अब मैं इस चीज के साथ ट्राई करता हूँ इसको। ये क्या चीज है भाई, ये कुछ नया है। जब मैं बोला इसके साथ ट्राई करके देखता हूँ। चलो चलो, ये ग्रीन चटनी जैसा ही कुछ तो है, हम ट्राई कर दे इसके साथ। भाई क्या चीज है भाई, बवाल चीज है वे, माँ कसम बहुत तीखी है भाई, कान में से धुआं आ गया। बट जो टेस्ट है गाइस, ये मैंने मंगाया है हरी ओम पराठा से। तो अगर आप थाने में हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो ये चटनी, इसकी ट्राई करना मस्ट। मैं नहीं खा रहा भाई दही वही से, ये चटनी इसकी बहुत ही खतरनाक है। किससे बनी है पता नहीं, आप लोग अपनी मम्मी को बता सकते हो गाइस कि भाई ऐसी चटनी बनाओ, ये क्या चीज है। आप लोग को मैंने दिखा दिया कैमरा पे। तो गाइस मैं खाता हूँ फिलहाल फर्स्ट पराठा, एंड देन मिलते हैं अपन सेकंड पराठा पे, लेट्स गो। तो गाइस अभी हमारा आ चुका है सेकंड पराठा, और ये खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन भाई वीडियो बना रहे तो खाना पड़ेगा। एंड यस, आप में से कितने लोगों ने ये पराठा खाया कमेंट में बताना। ओके 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 ओके, यहाँ पे आ चुका है हमारा सेकंड पराठा, यहाँ पे ये रहा। तो गाइस ये देखो इसकी प्राइस है ये पराठे की। रुको, हमने इस बार थोड़ा अनबॉक्सिंग के लिए अच्छा खासा चीजें रख दिया है। तो गाइस ये पराठा है कुछ 235 रुपीज का। अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते इसके अंदर से क्या निकलेगा। आप लोग देखो, चलो गाइस अनबॉक्सिंग में नाम से नहीं बताना चाहूंगा मैं आपको, डायरेक्टली दिखाना चाहूंगा। तो क्या आप रेडी हो? हाँ बिल्कुल। 3, 2, 1 प्रस्तुत हो रहा है आपके सामने। तो गाइस मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए जो कि रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया है। एंड गाइस मैंने डिस्कवर किया एक नया गेम जो कि आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये गेम आपको मिल जाएगा मेरे फेवरेट गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जो कि है मोस्टबेट। गेम का नाम है गाइस प्लिंको। तो रिसेंट में मेरे साथ क्या हुआ, मैं प्लिंको खेल रहा था और मैंने चिप ड्रॉप करी, और भाई मैं जो सोच रहा था वही मल्टीप्लायर में वो चिप चली गई, तो मेरे को काफी ज्यादा मजा आ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। हाँ प्लिंको का अभी तक इतना नाम नहीं है, एविएटर जितना फेम नहीं है उसके पास, लेकिन भाई ये जो गेम है ये काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है, और मोस्टबेट तो आपको ये गेम मिल जाएगा। एंड मैं अभी बता रहा हूँ आप लोग जाके ज्वाइन कर लो मोस्टबेट को, और ये गेम जरूर ट्राई करना क्योंकि आगे चल के ये भाई एविएटर से भी ज्यादा फेमस हो जाएगा। तो भाई सोच कर रहे हो जल्दी से जाओ, इसकी लिंक आपको मेरे कमेंट में पिन हुई मिल जाएगी, जल्दी से जाके साइन अप कर लो। एंड मेरा प्रोमो कोड जो कि आपको इधर स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा वो जल्दी से जाके डालना, तो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा अप टू 150% और 250 फ्री स्पिन्स भी मिलेंगे। एंड गाइस
लिंकों पे आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एंड अगर आप अभी जाके उधर डिपॉजिट करोगे तो आपको इनिशियल डिपॉजिट वेलकम बोनस भी मिलेगा। तो भाई सोचो मत, जल्दी से जाओ, लिंक कमेंट में है एंड लिंक को जरूर ट्राई करना एंड मुझे कमेंट में बताना भाई आपको कैसा लगा। द मोस्ट आइकॉनिक पराठा गाइस, क्या पराठा भाई, ये कैसे मैं देख के खाऊं? आप लोग देखो भाई इस पराठे को, ये है चॉकलेट पराठा भाई। मेरे साथ अन्याय हुआ है गाइस, ये कैसे खाते यार, ये किस लोग ने इन्वेंट कर दिया और ये क्यों खा रहे हैं लोग मुझे पता नहीं, बट हम भी आज खा रहे हैं ये चीज क्योंकि ये यूनिक पराठा है। तो देखते भाई ये क्या चीज है, मैं क्यों ये खा रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट खाना पड़ेगा गाइस। आई थिंक ये देखो भाई कुछ इस तरीके से ये चॉकलेट में लपेटा हुआ पराठा है पूरा का पूरा, एंड टेस्ट करते इसको, लेट्स सी भाई साहब। नाम सोच के कभी नहीं सोचा था चॉकलेट पराठा खाने लायक चीज हो सकती है, बहुत ही प्यारा बनाया गाइस। मेरे को लगा अंदर आलू रहेगा, ऊपर इन्होंने चॉकलेट डाली है, बट ऐसा नहीं है, अंदर भी पूरा चॉकलेट है, बट एक एंड में अजीब सा टेस्ट आ रहा है यार, मैं नहीं खा पाऊंगा। स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा लगा मुझे चॉकलेट का टेस्ट पराठा के साथ, एकदम बैड कॉम्बिनेशन, बट यस गाइस ये दिखने में बहुत ही अच्छा है। चलो हम रिव्यू लेते हैं, इधर राहुल भाई हमारे, इनसे टेस्ट करवाते, चलो टेस्ट करके बता भाई कैसा है चॉकलेट पराठा। चॉकलेट पराठा गाइस मजा आया, जोरदार है भाई, जोरदार, एकदम जोरदार। कैसे लग गया ये, मस्त लग रहा है चॉकलेट। तो गाइस ऐसे लोगों की वजह से ही ये पराठे चल रहे हैं भाई। इन बच्चों के लिए हम पेड़ पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। मेरे को पता था इसको पसंद आएगा, बट ये कैसे यार, मैगी चॉकलेट वाली, पराठा चॉकलेट वाला, भाई कैसे ये सब हो रहा है इस दुनिया में, क्यों हो रहा है इस दुनिया में? अच्छा खासा आलू पराठा होता है भाई, और भी बहुत सारे पराठे होते हैं, बट इनको खाना है चॉकलेट पराठा। ये किसके डिमांड पे बनाया पता नहीं, बट यस गाइस लोगों को पसंद आता है ये चीज। तो आप में से भी कौन कौन से लोग हो ऐसे कमेंट में बताओ जिनको चॉकलेट पराठा पसंद है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं आउट हूं। मेरी टीम वाले भाई लिखो भाई, हम ऋतिक भाई की टीम में, और भाई चॉकलेट पराठे वाले लिखो भाई, हम राहुल भाई की टीम में। देखते गाइस इधर कौन कैसे टेस्ट वाले लोग है कमेंट में बताओ। अब हम चलते हमारे थर्ड पराठा पे, लेट्स गो। ये देखो भाई कितने मजे से खा रहा है यार। पहले मेरे को अच्छा लगा लिटरली गाइस कि चॉकलेट का टेस्ट आया, बट फिर वो पराठे का टेस्ट आया चॉकलेट के साथ, तो मैंने यू कर दिया। तो ये चलते अभी हमारे थर्ड पराठा पे, देखते हमारा थर्ड पराठा कौन सा, लेट्स गो। तो गाइस अब बारी है पराठा नंबर 3 की, जो कि आप लोग के सामने आ चुका है, बट आप लोग को गेस करना है ये क्या पराठा है। तो आप लोग देखो गाइस ये कुछ इस तरीके का पराठा है, एंड आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये नॉर्मल पराठा दिख रहा है भाई, ये कुछ समझ में कैसे आएगा ये क्या पराठा है। चलो मैं आपके लिए ना थोड़ा सिंपल करता हूँ। तो गाइस हमने इसका थोड़ा पोस्टमार्टम कर दिया है, एंड आपको इधर थोड़ा मसाला दिख रहा रहेगा, अगर आप अभी गेस कर पा रहे हो तो कमेंट करके बताओ, ठीक है मेरे बोलने से पहले। चलो मैं बता देता हूँ आपको गाइस, ये है मंचूरियन पराठा। तो ये जो ग्रेवी दिख रही है आपको, ये मंचूरियन की ग्रेवी है गाइस, एंड ये है एक मंचूरियन का पराठा। तो टेस्ट करते ये कैसा है भाई, भाई स्मेल तो, जो मंचूरियन की स्मेल आ रही है ना, मेरे मुंह से पानी आ रहा था कब से कि कब स्टार्ट करूंगा मैं ये वीडियो। भाई आई थिंक मुझे बिना केचप के खाना चाहिए, मोस्टली पूरा केचप का टेस्ट आ गया, और मंचूरियन और केचप का कॉम्बिनेशन तो आप लोग सोच ही सकते हो कितना घटिया होगा। तो ये बिल्कुल मज़ा नहीं आया, एंड एंड में मुझे मंचूरियन का टेस्ट आया। एक नॉर्मल बाइट लेके देखता हूँ, क्रेजी है गाइस, क्रेजी मंचूरियन का टेस्ट आ रहा है, बट वो प्रॉपर मंचूरियन का भी टेस्ट नहीं हो पा रहा, एंड पराठे का भी टेस्ट नहीं हो पा रहा, तो दोनों मिक्स हो जा रहे, पता नहीं। दही के साथ खा के देखता हूँ एक बार, क्या पता इसके साथ अच्छा लगे। ओहो प्यारा, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है गाइस, मैं पहली बाइट लेता हूँ मेरे को बहुत प्यारा लगता है, फिर एंड एंड में ना एकदम अजीब सा लगने लगता है। तो गाइस मैंने अभी तक 3 पराठे खाए, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम रखेंगे आलू पराठा, सेकंड नंबर पे रखेंगे मंचूरियन को पराठा को, और थर्ड पे तो चॉकलेट पराठा रहेगा। इसको ओवरऑल रेटिंग दूंगा मैं 10 में से 7, कि अगर आपको ट्राई करना है कर सकते हो, खास करके जिनको मंचूरियन पसंद है। अगर आपको कुछ पराठा खाने का मन हो रहा है, मंचूरियन नहीं खाती मम्मी, रोज़ रोज़ नहीं खिलाती है, तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो, आपको मंचूरियन वाली वाइब भी मिल जाएगी एंड पराठा भी हो जाएगा। अरे वाह गुड आइडिया। तो गाइस ये था हमारा पराठा नंबर 3, अब जो नेक्स्ट पराठा होने वाला है वो बहुत डेंजर होने वाला है, तो वेट करते हैं नेक्स्ट पराठा का, एंड मिलते हैं पराठा नंबर 4 पे, लेट्स गो नेक्स्ट। तो गाइस अब बारी है 4th पराठा की, एंड यहाँ पे हमारा फाइनली 4th पराठा आ चुका है, ये मुझे लग रहा है शायद से टेस्टी हो सकता है। तो यहाँ पे केचप भी आया है एकदम, एंड अभी हम इसे ओपन करेंगे, अनबॉक्स करेंगे। तो चलो गाइस इसे हमने अनबॉक्स कर दिया है,
और फोर्थ पराठा अब मैं आपको दिखा दूं गाइस ये पराठा क्या है। चलो गैस तो मारो, चलो दिखाई देता हूँ गाइस कितना ही गैस मारोगे। चलो ये है हमारा फोर्थ पराठा गाइस। ये पराठा ही क्या है भाई, इस पराठा के अंदर अभी तो दिख ही क्या रहेगा यार, आपको दिख ही क्या रहेगा क्या पराठा है ये गाइस। ये है मैगी पराठा, इसके अंदर मैगी है, तो टेस्ट करते भाई ये कैसा है। गाइस काफी ज्यादा थर्ड क्लास लगा है मेरे को पराठा भाई, लिटरली ना मैगी का टेस्ट आ पा रहा है ना पराठा का टेस्ट आ पा रहा है, दोनों भी मिक्स हो गया है। अब कैन भाई कैसे होता है ये सब, कौन कर रहा है भाई, कौन ले रहा है, ये क्यों बेच रहे शॉप वाले, मेरे को पता नहीं भाई क्या है इसमें ऐसा। भाई मेरा पूरा मूड खराब हो गया, अपन चलते हैं भाई फिफ्थ पराठा के लिए, क्योंकि फिफ्थ पराठा होने वाला है एक टेस्टी पराठा, तो लेट्स गो फॉर द फिफ्थ पराठा, लेट्स गो। चलो भाई तो गाइस चार पराठा हो चुके हमारे। सबसे पहले हमने खाया आलू पराठा जो कि काफी अच्छा था, सेकंड हमने खाया चॉकलेट पराठा जो मुझे ठीक सा लगा, फिर थर्ड हमने खाया गाइस मंचूरियन पराठा वो भी अच्छा सा था, फोर्थ मैगी पराठा फिर ठीक सा था, बट फिफ्थ नंबर पे जो पराठा है ये बहुत ही प्यारा पराठा है, एक सैंडविच का भी प्रकार होता है ये। तो गाइस ये है चिली मिली पराठा, चिली मिली सैंडविच आपने खाया रहेगा, बट आज हम खाने वाले चिली मिली पराठा। इसके अंदर गाइस आप देखोगे ध्यान से इधर तो देखो आपको मिर्ची दिखेगी यहाँ पे, ये देखो इसके अंदर बहुत सारी मिर्ची है, रुको इसको तोड़ते हैं अपन। ओके तो गाइस ये देख सकते हो ऑलरेडी इसमें इतनी मिर्ची है एंड हम लोग और इसको मिर्ची के उसके साथ ही खा रहे हैं, तो देखते हैं कितना गलत तीखा होता है। मुंह में पानी आ गया, ये होता है ना पराठा, इसको बोलते पराठा, इसको केचप के साथ कहेंगे और भी प्यारा लगेगा। रुको इतना प्यारे प्यारी चीजें दी है, आप बनाओ चिली मिरी पराठा बनाओ, आलू पराठा बनाओ, गोभी पराठा बनाओ, फिर आता है अपना मूंग का कुछ तो आता है वो पराठा बनाओ, लोग क्या बनाते हैं मैगी पराठा चॉकलेट पराठा, ये सब क्यों खाना है भाई, ये इतनी प्यारी प्यारी चीज है, एक नंबर भाई आलू पराठा, फिर सेकंड नंबर पे अपने लिए आ गया गाइस चिली मिली पराठा। ये किस किस ने खाया कमेंट में बताना, आपने चिली मिली सैंडविच तो खाई रहेगा, मोस्टली उसका ही इंग्रेडिएंट्स है आलू के साथ मिक्स करके इसको बनाया गया है, तो काफी बढ़िया है। तो गाइस ये थे हमारे आज के पांच पराठा, कैसा लगा आपको ये वाला चैलेंज कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट हम लोग क्या यूनिक कर सकते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में किया था पाव यूनिक, पांच पाव की आइटम जिसमें हमने पाव से बनने वाली पांच चीजें खाई थी, फिर हमने यूनिक पांच आइसक्रीम खाई जिसमें हमने चिली आइसक्रीम या फिर पानीपुरी आइसक्रीम ऐसी सब खाई थी, तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किए तो वो भी करना, और आज हमने किया है पराठा चैलेंज जिसमें मजा आ गया है। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करें कमेंट में बताओ, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो, मैं एंजॉय करता हूँ भाई मेरा पराठा, आप लोग भी पराठे खाते खाते ये वीडियो देखो और मुझे बताओ कमेंट में कौन कौन पराठे खाते खाते ये वीडियो देख रहा है एंड किसका मन हो गया पराठे खाने का वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।